तो जब आप है ही नहीं तो ये देश आपका कैसे हो गया? ये देश हमारा है, ये देश हमको दे दीजिए। क्या आप जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में कितना रिजर्वेशन है? क्या आप जानते हैं कि एक्सिस बैंक में कितना रिजर्वेशन है? क्या आप जानते हैं कि इंडसइंड बैंक में कितना रिजर्वेशन है? आपको नहीं पता, आप पूछना भी नहीं चाहते, आप जानना भी नहीं चाहते, आप समझना भी नहीं चाहते। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं और आप समझते हैं कि कल को आप लाल साहब गवर्नर हो जाएंगे तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलत है। तो हमको तो जाती है जनगणना चाहिए, आपको तय केवल इतना करना है कि आप हमारे मांगने से दोगे कि हमारे छीनने से दोगे। जो तमाम दुश्वारियों के बावजूद जस्टिस वर्मा, अनिल जी, बिरेन जी, प्रिय लक्ष्मण, सुमित, नीरज और वो तमाम लोग जो किसी प्रेम के वशीभूत अपनी समझ और किसी सार्थकता के लिए यहां आए हैं। सबसे पहले तो कैनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन को बहुत बधाई कि आपने इतना खूबसूरत आयोजन किया। और मैं देख रहा था एक पुस्तिका है, ये अंबेडकर की तस्वीर है और इसमें उनका पहला भाषण और संविधान सभा में, और मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ये SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से तो नहीं है, तो मैंने देखा कि ये कैनरा बैंक की तरफ से। मैं कहता हूं इसीलिए बैंकों को बेचने से रोकना होगा, ये साजिश है प्राइवेटाइजेशन, बैंकों को बेचना, यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज करना, कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करना, ताकि आपके जहन से अम्बेडकर फुले पेरियार को मिटाया जा सके। क्या आप जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में कितना रिजर्वेशन है? क्या आप जानते हैं कि एक्सिस बैंक में कितना रिजर्वेशन है? क्या आप जानते हैं कि इंडसइंड बैंक में कितना रिजर्वेशन है? आपको नहीं पता, आप पूछना भी नहीं चाहते, आप जानना भी नहीं चाहते, आप समझना भी नहीं चाहते। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं और आप समझते हैं कि कल को आप लाल साहब गवर्नर हो जाएंगे तो मेरे भाई बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हमको बड़ी साजिशों के बारे में समझना पड़ेगा। आज माहौल है जातीय जनगणना का, बिहार से चर्चा चली है, महाराष्ट्र तक गई है, दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना क्यों चाहिए, बेशर्मी की भी इंतहा होती है। आप पूछते हो जातीय जनगणना किस लिए चाहिए, आपके जातिवाद पर ठेस पहुंचती है, आपकी बुद्धिजीविता पर ठेस पहुंचती है। आज आप टैलेंट की बात करते हो, जातिगत जनगणना इसलिए चाहिए क्योंकि मोची का बेटा यहां आकर जूते सिलता है, जातीय जनगणना इसलिए चाहिए कि कहार का बेटा बर्तन मांझता है, जातीय जनगणना इसलिए चाहिए कि धोबी का बेटा जाकर मुफ्त में स्त्री करता है। तो हमको तो जातीय जनगणना चाहिए, आपको तय केवल इतना करना है कि आप हमारे मांगने से दोगे कि हमारे छीनने से दोगे। अगर आप मांगने से देने को तैयार नहीं हो तो हम मानसिक तौर पर आपसे छीनने को तैयार हैं। हम कर्पूरी ठाकुर के सूबे में बैठे हुए हैं, जगदेव बाबू के सूबे में बैठे हुए हैं कि सौबे 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है। और रही बात जातीय जनगणना की, तो NFHS ने 7 लाख लोगों पर सर्वे किया था आज से 4 साल पहले, उसका डेटा हमारे सामने है और उसका डेटा यह कहता है कि 40% से ज्यादा लोग इस देश में OBC है, उसका डेटा यह कहता है कि 26% लगभग SC है, उसका डेटा यह कहता है कि लगभग 13% आदिवासी है। तो आप है कहां? तो जब आप है ही नहीं तो यह देश आपका कैसे हो गया? यह देश हमारा है, यह देश हमको दे दीजिए। बहुत सीधी सी बात करनी पड़ेगी, हमको समझना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन मैं थोड़ी थोड़ी बातें मीडिया, समाज, राजनीतिक संदर्भों पर कर लेना चाहता हूं। रॉबिन जेफरी एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हुए थे, कनाडा के रहने वाले थे, वो दलित भी नहीं थे, आदिवासी भी नहीं थे, ओबीसी भी नहीं थे, पसमांदा भी नहीं थे, ठाकुर भूमिहार ब्राह्मण भी नहीं थे। वो कनाडा से आए थे
थे मीडिया पर पीएचडी करने और उन्होंने 2012 में एक लेख लिखा मिसिंग फ्रॉम द न्यूज रूम, न्यूज रूम से गायब। और उन्होंने कहा कि जब 1992 में मैं हिंदुस्तान की पत्रकारिता को समझने के लिए आया था तब मुझे एक भी दलित जर्नलिस्ट नहीं मिला था और आज 2012 में भी मुझे एक भी दलित जर्नलिस्ट नहीं देखा। बीएन उनियाल ने लिखा एक आर्टिकल पायनियर में 1996 में, उन्होंने कहा कि पूरे 30 साल के करियर में मुझे एक भी दलित जर्नलिस्ट नहीं मिला। तो मैं कहता हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यह जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, यह पटना यूनिवर्सिटी में, यह भागलपुर यूनिवर्सिटी में, यह कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हर साल थोक के भाव रिजर्वेशन के तहत जिन दलित छात्रों का जर्नलिज्म में एडमिशन हो रहा है वो जा कहां रहे। सवाल तो यह है कि हमारे लोग जा कहां रहे हैं, हमारे लोग हमारी मेमोरी से गायब कर दिए गए हैं और हमारे लोग हमारी मेमोरी से गायब किए जाते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, हमको उस सिलसिले की खोज करनी पड़ेगी कि हम कहां जा रहे हैं। एक सर्वे किया हाल के दिनों में ऑक्सफैम इंडिया ने, वो सर्वे दलित जर्नलिस्टों के बारे में था कि वो लोग कहां हैं। क्या आपको पता है कि उस सर्वे का नतीजा ये कहता है कि इस देश के डिबेट में शामिल होने वाले 4 में से 3 एंकर सवर्ण है, 4 में से 3 एंकर सवर्ण है। आपको लगता होगा कि एक आदमी जरूर ओबीसी दलित आदिवासी होता होगा ना, वो एक आदमी चौथा जो है वो दलित आदिवासी ओबीसी नहीं है, वो मुसलमान है, वो जैन है, वो पारसी है, वो कुछ और है, लेकिन वो दलित ओबीसी एससी एसटी नहीं है। 121 न्यूज रूम पर एक सर्वे हुआ और उस सर्वे का नतीजा यह कहता है कि 121 में से 106 न्यूज रूम को जो लोग चलाते हैं वो निश्चित तौर पर सवर्ण है, लेकिन फिर से बाकी के जो 15 लोग हैं वो एससी एसटी ओबीसी दलित नहीं है, वो कुछ और है। हम जर्नलिज्म की बात करना चाहते हैं तो सवाल है कि जर्नलिज्म की बात हम क्यों करना चाहते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास यूट्यूब है, आप देख लीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया है, आप देख लीजिए, लेकिन क्या वाकई उतने से काम चल जाएगा? इस देश का पूरा जो इवोल्यूशन है अगर आप देखेंगे 16वीं शताब्दी के बाद से ही, तो वो पॉलिटिक्स और जर्नलिज्म का एक पैरेलल रिवॉल्यूशन चला है। पेरियार ने कुदुवरासु बनाया 1925 में, मतलब जनता का राज, क्योंकि उनको पता था कि जनता का राज अगर लाना है तो हमको जर्नलिज्म में अपना राज लाना पड़ेगा। जस्टिस शुरू किया मैगजीन, मॉडर्न नेशनलिस्ट शुरू किया, मूक नायक शुरू किया अम्बेडकर साहब ने, बहिष्कृत भारत, समता और प्रबुद्ध भारत शुरू किया, बहुत सारी चीजें शुरू हो। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि हमको क्यों चाहिए, हमको अपना मीडिया क्यों चाहिए और हमारा मीडिया कैसा होना चाहिए। इसी बिहार में जस्टिस वर्मा बैठे हुए हैं। 1996 में बथानी टोला नरसंहार हुआ, 21 दलित मारे गए, उसमें 12 औरतें थी, 6 बच्चे थे और 3 बच्चे थे और 3 नौजवान थे जिसमें एक की उम्र 3 साल थी। गर्भवती औरत के पेट से खींचकर बच्चे को मार दिया गया। क्या आप जानते हैं कि 16 साल के बाद न्याय आता है और न्याय के नाम पर जो फैसला आता है उसमें 23 के 23 लोग बरी हो जाते हैं। हमको इसलिए मीडिया चाहिए। लक्ष्मणपुर बाते में 58 लोग मार दिए गए, सारे के सारे बरी हो गए। शंकर बिघा में 23 लोग मार दिए गए, सारे के सारे लोग बरी हो गए। इसको आप न्याय कहते हो, इसको आप जस्टिस कहते हो, इसको आप इंसाफ कहते हो? हमको इसलिए अपना मीडिया चाहिए, इसलिए हमको जुडिशरी में अपने लोग चाहिए, इसलिए हमको पत्रकार, वकील, बैरिस्टर, डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए जिनको हम कह सके कि आप हमारी तरह सोचते हैं। मेरे भाई, आपको इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में सोचना होगा। आप पूछते हो ना हमको अपना मीडिया क्यों चाहिए? हमको मीडिया अपना इसलिए चाहिए कि वो तो सावरकर को हीरो बनाने पर तुले हुए हैं, वो सावरकर को हीरो बनाने पर तुले हुए हैं, वो हैदराबाद की मूर्तियां टांग चुके हैं और हम और हमारे तरह के लोग जब देव बाबू को भी याद करने में शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, हमको लालू यादव को अपना नेता मानने में शर्मिंदगी महसूस होती है। किस बात की शर्मिंदगी? एक अदालत के फैसले पर जिसका सच पता नहीं क्या है, वो तो नाथूराम गोडसे तक को हीरो बनाने पर तुले हुए। भाई, पार्लियामेंटेरियन जो आतंकवाद की आरोपी है, एनआईए पूरे लंपटपन के साथ कहता है कि हुजूर इसके खिलाफ से आतंकवाद के मामले हटा दिए जाए।
तो हमको अपना मीडिया इसलिए चाहिए कि आप बनाइए सावरकर को हीरो, आप बनाइए हेडगेवार को हीरो, आप बनाइए बोलबंकर को हीरो, तो क्या हम अपने नायकों की खोज भी न करें भाई? तो हमको तो अपने नायकों की खोज करनी पड़ेगी, और हमको अपने नायकों की खोज करने के लिए अपना मीडिया चाहिए। और वो मीडिया केवल आर्टिकल 19 इंडिया नहीं चाहिए, वो केवल न्यूज बीट नहीं चाहिए, वो केवल नेशनल जनमत नहीं चाहिए, वो केवल अंबेडकर नामा नहीं चाहिए। हमको तो चाहिए इस देश का एक ऐसा मीडिया जिसके बारे में हम कहें कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया है। हमको मीडिया का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया चाहिए, जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बहुजनों की हो, उस देश का सबसे बड़ा मीडिया बहुजनों का मीडिया होना चाहिए। आप कहते हो सोशल मीडिया, आप कहते हो मेनस्ट्रीम मीडिया, मैं कहता हूं दो तरह के मीडिया है इस देश में, एक सोशल मीडिया है, एक एंटी सोशल मीडिया है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप सोशल मीडिया के साथ हो कि आप एंटी सोशल मीडिया के साथ हो। हमको तो टाइम्स ऑफ इंडिया से बड़ा अखबार चाहिए अपना, हमको तो हिंदुस्तान टाइम्स से बड़ा अखबार चाहिए अपना, हमको द हिंदू से बड़ा अखबार चाहिए अपना। सवाल है कि आपकी मानसिकता है क्या बनाने की, क्या आप बनाना चाहते भी हैं? आप इमेजिन करिए कि आज के दौर में जब अखबार खत्म हो रहे हैं तो कौन से अखबार बंद हुए? मैं आपसे सवाल करता हूं, और कठिन सवाल करता हूं, आप में से कोई बताने को तैयार है कि मूक नायक बंद क्यों हुआ? क्या आप में से कोई बताने को तैयार है कि बहिष्कृत भारत बंद क्यों हो गया, जस्टिस बंद क्यों हो गया? नहीं, यंग इंडिया बंद क्यों हो गया, ओपिनियन बंद क्यों हो गया? ये सारी चीजें बंद हो जाती है, और पांच जन्य बंद नहीं होता है, ऑर्गेनाइजर बंद नहीं होता है, वो चलता रहता है चाहे वो 100 कॉपी बेचे। पूरा का पूरा देश उनके राजनीति को खारिज कर देगा तो भी वो अपने मीडिया को खारिज नहीं करते हैं। ये हमारी कायरता है कि हम अंबेडकर साहब के मैगजीन को बंद कर देते हैं, ये हमारा लंपटपन है कि हम प्रबुद्ध भारत को नहीं चलने देते हैं, ये हमारी जाहिलियत है कि हम जस्टिस को नहीं चलने देते हैं, और हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ऑर्गेनाइजर और पांच जन पढ़ते हुए उसकी आलोचना करते हैं। इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि हमको चाहिए क्या, हम क्या करने आए हैं। आपको एक बात बताऊं कि क्यों ये नहीं करने देना चाहते जातीय जनगणना, इसलिए कि इनको रिजर्वेशन देना पड़ जाएगा उस हिसाब से। तो ये चाहते हैं कि सांप का फन कुचल दो, ये जो जातीय जनगणना है ना, इसको ये सांप समझते हैं कि जिस दिन ये फन निकालेगा उस दिन दिक्कत हो जाएगी। 2014 की एक रिपोर्ट है यूजीसी की कि इस देश में 20,390 प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, मैं यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, और सरकारी कॉलेज बच गए हैं 6,768, 6,000 मतलब एक तिहाई से भी कम। तो आपको पता नहीं है क्या कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कौन लोग पढ़ रहे हैं, वो कहां से आते हैं? इस देश में लगभग 36 लाख सीटें कुल मिलाकर इंजीनियरिंग की सीटें हैं, और उसमें केवल 15 लाख सीटों पर रिजर्वेशन लागू होता है, मतलब लगभग 20 लाख की 30 लाख सीटें जो है वो वैसे ही रिजर्व है। ये रिजर्वेशन दरअसल जो है वो एंटी रिजर्वेशन है, आप कहते हमको रिजर्व हो लेकिन दरअसल आप रिजर्व है, आपने बहुत मक्कारी के साथ अपनी जगह तय कर ली है, इसको हमको पहचानना पड़ेगा। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं, और संक्षेप में बातें बहुत लंबी हो गई है, तो अगली बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ये तय तो करना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल तय करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल अब एग्जिस्टेंस का है मेरे भाई, कि बचोगे कि खत्म हो जाओगे, बीच का कोई रास्ता हमारे सामने छोड़ा नहीं गया है, तो हमारे अस्तित्व की लड़ाई है ये। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि कैनरा बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तो हमको बड़ी अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, आप ये सोच रहे हो कि पटना यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज हो के एमिटी हो जाएगी तो प्रोफेसरों की तनख्वाह बढ़ जाएगी, या आप ये सोच रहे हो कि चाणक्य इंस्टीट्यूट बदल के कुछ और हो जाएगा, बड़ा सा सुंदर सा बिल्ला टांग के जाएंगे तो हम बहुत सुंदर दिखेंगे, तो आपको बड़ी दिक्कत है, आप अनपढ़ रह जाएंगे। सवाल हमको अनपढ़ बनाने की साजिश का है, हमको अनपढ़ इसलिए बनाए रखना है कि इनको बेगार करने वाले लोग चाहिए, इनको कम पैसे में ड्राइवर चाहिए, इनको कम पैसे में दरबान चाहिए, इनको मुफ्त में चाहिए कपड़े धुलने वाला, इनको चाहिए मुफ्त में जूते सिलने वाला, इनको चाहिए मुफ्त में दाढ़ी बनाने वाला, हजामत बनाने वाला।
तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप बैठकर बराबरी के लिए मैदानों में उतरकर, सड़कों पर उतरकर, आंदोलन करके, चिल्लाकर, चीखकर, गर्दन पकड़कर आप अपना हक लेकर राज करना चाहते हैं या जूते सुनना चाहते हैं, आप हजामत बनाना चाहते हैं या राज करना चाहते हैं, आप फैसले सुनाना चाहते हैं या फैसले का भाग होना चाहते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम जो बोल रहे हैं और ये सारे लोग जो बोलने आए हैं, आगे आने वाले दिनों में भी आप ऐसी ऐसी चीजें सुनेंगे, लेकिन ये फैसले का वक्त है, ये फैसले का वक्त है, सोचने समझने का वक्त निकल चुका है और उसके लिए लेटरल एंट्री की शुरुआत हो चुकी है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर क्या हुआ है, आप पढ़ लीजिए गूगल करके, आपकी समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं नीट पीजी के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है, मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद करीब 3 साल तक रिजर्वेशन रोक के रखा गया। तो आपको अगर कोर्ट ने रिजर्वेशन दे भी दिया, अगर पार्लियामेंट ने रिजर्वेशन दे भी दिया, तो आप रिजर्वेशन के लाभार्थी बन जाएंगे, इस बात की गारंटी केवल और केवल आप दे सकते हैं, कोई सरकार नहीं दे सकती, कोई अदालत नहीं दे सकती। इस देश में 58-58 लोगों को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया जाता है, उस देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम की व्यवस्था काली है। एक एक रेप पर, मैं नहीं कहता वो कोई छोटी घटना है, एक एक हत्याओं पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हैं, आप 58 हत्याओं पर खामोश रहते हैं और खामोशी की तरह सब कुछ बर्दाश्त कर जाते हैं। वो कौन लोग मारे गए हैं? वो हमारे लोग थे। क्यों मारे गए हैं? क्योंकि वो हमारे हक की बात करते थे। आपको पता है जगदेव बाबू को कैसे मारा गया था? आप पढ़िए, एक थानेदार ने उनके दिमाग में गोली मारी थी। दिमाग में गोली मारना ये चेतावनी थी, वो कहीं भी मार सकता था, वो छाती में मार सकता था, वो पेट में मार सकता था, लेकिन उसने सिर में गोली मारी थी, क्योंकि वो बहुजनों को ये चेतावनी देना चाहते थे कि हम तुम्हें तुम्हारे दिमाग के हिसाब से नहीं चलने देंगे। तो हम अपने दिमाग की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सोच और समझदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम फैसलों में अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आज से 2 साल बाद या आज से 2 महीने बाद या आज से दिल्ली जाते हुए मैं जेल में डाल दिया जाऊंगा या बाहर रहूंगा। मुझे नहीं पता कि जिस तरीके की आवाजें हम लोग उठा रहे हैं उसके एवज में हमको जिंदा भी रहने दिया जाएगा या नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपने हक की बात करेंगे। मुझे ये पता है कि जब तक हमारी आवाजें हैं वो आवाजें बिकेंगी नहीं। हमें यह पता है कि जब तक हमारे पास सोचने समझने की ताकत है तब तक हम स्वतंत्र सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस आवाज को बचाइए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घर की बेटियों को पढ़ाइए, उनको नौकरी करने दीजिए, उनको घरों से बाहर निकलने दीजिए, उनको घूमने दीजिए, उनको शहर देखने दीजिए, क्योंकि अगर औरतें नहीं पढ़ेंगी, अगर लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो हमारी तरक्की आधी भी नहीं बचेगी। हम अपने घर की लड़कियों को, बेटियों को, पत्नियों को, दोस्तों को आगे ले जाएं, उनको बाहर की दुनिया दिखाएं और उनको ये छूट दें कि वो फैसलों में हिस्सेदार बने और फिर बाद में उसकी हकदार बने। आपने हमें बुलाया, हमें सुना और आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इसलिए कैनरा बैंक, सीएसटी वेलफेयर एसोसिएशन और इतने प्यारे लोगों को सुना, बहुत अच्छा लगा। ये मेरी खुशकिस्मती थी इस हॉल में होना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।